और वो क्या कहते हैं ना कि मोहब्बत हो या मेहनत हो, रायगा कुछ भी नहीं जाता। तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मजे में हो। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत है या दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई है, पर मेरा मूड आजकल बहुत अच्छा है। मुझे हर चीज अच्छी लग रही है, हर छोटे छोटे लम्हे में एक अजीब सी खुशी है जो महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में सब अच्छा हो गया है, हालांकि बदला तो कुछ नहीं है, वही मैं हूँ, वही आप लोग हैं, वही शो है, वही रोशनी है, वही दिन है, वही रात है, पर पता नहीं है क्यों अचानक से सब अच्छा लगने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, सब शक्लें एक ही जैसी होती हैं, वही दो आंखें, वही दो हाथ और वही एक दिल, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कोई एक हमें क्यों इतना अच्छा लगता है कि वो सारी दुनिया से अलग लगता है। वो क्या है ना कि मोहब्बत और मेहनत, रायगा इसीलिए नहीं जाती है क्योंकि वो बजाहिर तो इंसान के लिए होती है लेकिन उसका सिला हमेशा रब की जात से मिलता है। तो इसलिए मोहब्बत हो या मेहनत हो, रच के करें और जी लगा के करें, और जो सिले की उम्मीद है वो इंसान से ना रखें, उसका सिला आपको मिलता है, अपने वक्त पर हर चीज होती है। बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरे साथ, और आप रहेंगे 2 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि आप अपने पैगाम मुझे भेज सकते हैं, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने YouTube पर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा FM को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट यू कैन ऑलवेज नो कि जब मेरा शो अपलोड हो तो आपको बेल नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। और Instagram पर भी और Facebook पर भी और Twitter पर भी मुझे मेरा FM को लाइक कर लीजिए। इसके साथ साथ सर हमें ऑफिशियल को भी लाइक कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कवाली जिसके साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जाने इस दिल को बेकरारी है, और कैसी बेकरारी है, वैसे दिल की बेकरारियां कभी कभार यूं ही हो जाती है, मौसम का भी कसूर हो सकता है, हर बार किसी इंसान कोई इंसान वजह नहीं होती। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी एंड स्लो डाउन। खैर है, वो क्या कहते हैं, जान जाए पर प्राण ना जाए, और जान चली भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, जान तो जाने वाली चीज है, एक दिन तो सभी ने चले जाना है, तो फिर जान की इतनी परवाह क्या करनी। लेकिन जब तक जान है तब तक जाने जहान जहान है। तो जनाब आबाद रहें, शाद रहें और खुशहाल रहें। आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड टुनाइट इज 18 August 2022 and I'm so happy. I don't know why, but I think मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान जिंदगी की अपनी acceptance के साथ whatever may it come or whatever is happening में अपने आप के होने का, मौजूद होने का वजूद accept कर लेता है, तो क्या कहते हैं कि सारी चीजें फिर आपके साथ खुद ही चली जाती हैं। अच्छा वैसे आज मैंने बात क्या करनी है, बात मैंने ये करनी है कि यार हम में से तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं जब जिम जाती हूँ तो जिम में देखती हूँ कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, मतलब डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट कलर्स हैं लोगों के, लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। बट फॉर अ मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि यार बुरा तो इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब हर इंसान अपने तई अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन हम अपनी आंख से जब किसी को फिट करने की कोशिश करते हैं कि मेरा क्राइटेरिया ऑफ परफेक्शन या ब्यूटी ये है, तो उसके अंदर अगर वो इंसान फिट नहीं हो रहा तो हमें वो बुरा लगने लग जाता है। अगर मेरा क्राइटेरिया ऑफ गुड पर्सन एक सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेट्स हैं और अगर उस इंसान में वो चीजें नहीं है तो मुझे वो बुरा लग रहा है। अगर मैं जो जबान बोलती हूँ सामने वाला वो जबान नहीं बोल रहा तो मैं उसे जज कर रही हूँ।
सो आई जस्ट रियलाइज कि ये बहुत एक छोटी सी और आम सी बात है जो हमारे माशरे में ये रवैया बहुत आम है, और हम चलते फिरते लोगों को अजीब से लुक्स दे रहे होते हैं, और उन लुक्स से हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी एनर्जी कब से कब चेंज हो जाती है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव कब होते हैं, हम बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन कब कहां किसी को हम कैसा लुक दे देते हैं और वहां से हमारी पूरी पर्सनालिटी जो है वो डैमेज हो जाती है. आज के इस दौर में जो सबसे ज्यादा चीज हमारे अंदर आने की जरूरत है वो है नोबडी इज परफेक्ट. आई एम नॉट परफेक्ट. वैसे लोग मुझे तो कहते हैं हाँ हाँ तुम तो परफेक्ट. मैं कहती हूँ बिल्कुल मैं परफेक्ट हूँ. मैं अपने हिसाब से अपने लिए एकदम परफेक्ट हूँ, बिकॉज आई एम सो हैप्पी विद व्हाटएवर एंड हूएवर एंड हाउएवर आई एम. तो मुझे लगता है कि या आई एम परफेक्ट इन माय ओन वे, इन माय ओन यूनिक वे. तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एवरीबडी इज परफेक्ट इन देयर ओन यूनिक वे, बट येट वी ऑल आर डिफरेंट. And we all have to accept those differences. Otherwise, आपका जीना मेरा जीना इस छोटी सी दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार. स्पेस दिया करें लोगों को रिस्पेक्ट किया करें, रिगार्डलेस के कौन है वो, क्या है वो, औरत है वो, मर्द है वो, मोटा है वो, छोटा है वो, नाटा है वो, खोटा है वो, जो भी है. तो क्या कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है. हर इंसान अपने हिसाब से कहीं ना कहीं जहां वो फिट हुआ हुआ है वो कहीं ना कहीं, आप किसी को अगर ठुकरा भी रहे ना तो वो कहीं और एक्सेप्ट किया जा रहा होगा. अगर आप किसी को बुरा कह भी रहे ना तो वो कहीं ना कहीं कहीं और किसी और की किताबों में अच्छा जरूर कहलाया जा रहा होगा, या शायद आप जिसको अच्छा कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी की किताबों में बहुत बुरा इंसान होगा. सो दिस इज हाउ दिस इज द जस्ट द पर्सपेक्टिव जो हमारी अपनी नजर है. सियाने सही कहते हैं यार कि हमारी अपनी नजर ही है जो इंसान को अच्छा या बुरा बना देती है, वरना तो दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं. और मंटो साहब कहते हैं, सही कहते हैं. वैसे उस वक्त जब मैंने मंटो साहब की ये बात पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई कि हो भाई ये कैसी बात की थी, लेकिन आज अब मैं वो बात समझने के काबिल हुई हूँ कि मंटो साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक कही थी कि मेरी बातें गंदी नहीं है, तुम लोगों की सोच गंदी है. It's all right. और कुछ गाने ऐसे ही होते हैं जब हम जब सुनते हैं तो तब हमें समझ नहीं आते, लेकिन जब हम बहुत अरसे के बाद आपको पता चलता है अच्छा वो गाना मैंने इसलिए सुना था कि लैस से अप्पा होने वाला था मेरे साथ. अच्छा जी, अली सेट्टी का आपको गाना सुना रही हूँ. बड़े खौफनाक गाना अली सेट्टी ने जिस खौफनाक तरीके से गाया है, एंड आई होप दैट you're going to love this one, but stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. Yes, this is Slow Jams and this is me, Sana Humayun, Monday to Friday, raat 12 se 2 baje tak rehta hai aapka mera saath aur hoti hai aapki meri baat. Iske saath saath agar abhi tak aapne YouTube par mujhe subscribe nahi kiya hai, mera FM ko like kar lijiye aur bell icon bhi press kar lijiye so that you will get to know ki kab mera show upload hota hai aur aap log usse dekh sakte hain. Abhi khair main liye ja rahi hu aapko angrezi wale gaane ki taraf, aur iske साथ साथ आपको बता दी चलूं कि आप अपने पैगाम भी मुझे अपने सेंड कर सकते हैं. और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टुनाइट इज नोबडी परफेक्शन एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस. बात तो बहुत छोटी है लेकिन वो क्या है कि बात छोटी ही होती है पर बात के फसाने बन जाते हैं. क्योंकि बात छोटी सी ही शुरू होती है, वो राई का दाना ही होती है, और बढ़ते 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 बहुत दूर तलक चली जाती है. और जब दूर तलक चली जाती है फिर वो कहते हैं रहन दो यार, इनू रहन ही दो. क्योंकि बातें हो, फासले अगर बढ़ जाएं तो वो चीजों का वो मुझे ऐसा लगता है वो ग्रैंडर नहीं रहता. अच्छा ठीक है, एक इंसान जो आपके साथ होता है और एक इंसान जो आपसे दूर होता है. वैसे तो दुनिया कहती है जो पास नहीं होता उसकी कदर होती है और जो पास होता है उसकी कदर नहीं हो जाती, खत्म हो जाती है. मुझे बिल्कुल ये बात समझ नहीं आई कि यार जो चीज आपको दे दी अल्लाह ने आप उसकी कदर नहीं कर रहे, और जो चीज आपसे सदियों मील दूर, कोसों मील दूर पड़ी हुई है. वैसे अगर इस कॉन्सेप्ट को अदर वे राउंड देखा जाए कि अभी आपके पास ये लम्हा है, अगर इस लम्हे में आप उस उन चीजों का अपना आप हो या उन चीजों का या उन लोगों का एहसास ना करें, ख्याल ना करें, उनकी कदर ना करें, तो मेरा ख्याल से जो आपके पास है ना वो भी ले लेगा अल्लाह. तो जो नहीं है
उस पे डालें मिट्टी ते सुआ. सही बात है. क्या करना है दूर परे की चीजों को. वैसे दूर के ढोल ज्यादा अच्छे लगते हैं, दूर की चीजें लोग. लेकिन यार हम कब तक एवरेज लोग रहेंगे. मतलब हम अब जो होता आया है वो ही होता रहेगा, अब जो है वो वैसा ही रहेगा. मतलब हम कब निकलेंगे डब्बे में से, उन दड़बों में से, उन सोच के बंद किवाड़ों में से, और कुछ ऐसा करेंगे कि जिस पर हमें अपने आप पर नाज होना चाहिए कि यस आई फेल्ट दैट एंड आई डिड दैट, आई चेज माई ड्रीम्स, आई एम यू नो परसुइंग माई गोल्स, आई एम डूइंग दिस, आई एम दिस, आई एम दैट. मुझे ऐसे लगता है कि गॉड लव स्टबर्न हार्टेड पीपल, कि आप जो कर रहे हैं ना बस ऐसा करें कि बस पागल ही हो जाए. देने वाला कहे कि यार इसको तो देना ही देना है. मेहनत और मोहब्बत के साथ जो काम भी करें, चाहे वो मोहब्बत ही है, मेहनत करें उसमें. ऐसा नहीं है कि मोहब्बत हो गई है तो जी जनाब बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं तो. और अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसमें भी मोहब्बत से मेहनत करें, क्योंकि खाली मेहनत कर लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ जाना. आपने कोई चुबारे में चढ़ के आपने कुछ नहीं कमा लेना जब तक उस प्रोसेस में मोहब्बत का उन्स, मोहब्बत उन्स प्यार शामिल नहीं होता. वो मेहनत भी किसी काम की थी. और मोहब्बत में जब तक मेहनत का रंग नहीं शामिल होता, मोहब्बत भी किसी काम की नहीं. दिल में रखनी है, रखो जनाब. ऐसी मोहब्बतें किसी और के क्या काम की होंगी. हाँ आप अपने खाली लम्हों में बैठकर चार गाने सुनकर, अपने किसी ख्वाबो ख्यालों में बैठकर अपनी रंगीन किताबों को तो रंगीन कर सकते हैं, पर वो मोहब्बत किसी के काम की नहीं है. सिला उसका मोहब्बत का रब नहीं देना आपको, लेकिन मोहब्बत में मेहनत करोगे तो सिला मिलेगा ना. जब कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्या सिला मिलेगा. बहुत बुरे लगते हैं मुझे वो लोग जो मोहब्बत में और मेहनत के टाइम पे लेजी हो जाते हैं. आज मैं आई वॉज जस्ट पासिंग बाय एंड समबडी वाज सेइंग के इस दुनिया में ना अगर कोई जुल्म करे ना किसी पर, उसे फांसी पे लटका देना चाहिए. फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जुल्म. जुल्म की क्या डेफिनेशन होती है यार, व्हाट इज एक्चुअली जुल्म. क्योंकि अल्लाह तो जुल्म नहीं करता. जुल्म अगर हो रहा है तो वो इंसान इंसान पे कर रहा है या इंसान खुद पे जुल्म कर रहा है. और वो अब जुल्म कितने किस्म के हो सकते हैं, आइए इस पर रोशनी डालते हैं. लेकिन इस गाने के बाद दिस सिटी. ओह आई एम इन लव विद दिस सिटी, सैम फिशर, माय फर्स्ट लव. सो दिस सिटी इज अ ब्यूटीफुल हेवन एंड आई एम डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इस्लामाबाद. स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी, स्लो जैम. अच्छा जी, मजे की बात ये है कि परफेक्शन वो बला है जो कभी किसी के हाथ नहीं आती. बिकॉज परफेक्शन भी एक जर्नी है यार. आप जिस दिन मुकम्मल हो जाएंगे ना, उस दिन अल्लाह ताला ने वैसे ही आपको बुला लेना है. जिस दिन आपको पता चल जाएगा क्योंकि आई एम सो परफेक्ट इन एवरी वे, जिस दिन आपका दुनिया में मकसद खत्म हो गया, मतलब पूरा हो गया आपका, आप अब मुकम्मल हो गए. क्योंकि इंसान की जो जिंदगी का पूरा प्रोसेस है वो इंसान की अपनी तकमील ही है. वो उसने अपनी ही तकमील का जो पूरा प्रोसेस है परफेक्शन. यार वैसे दुनिया में देखा जाए, अगर आपस की बात है, हैप्पीनेस देखो तो वो भी जर्नी है. लाइफ इटसेल्फ इज अ जर्नी. अगर परफेक्शन की बात करो वो भी जर्नी. सक्सेस की बात करो हाय वो भी जर्नी. मोहब्बत की बात करो वो भी जर्नी. रिलेशनशिप की बात करो वो भी. मतलब एक रात एक दिन की तो कोई कहानी नहीं है. हम ये तो सदियों पर मुहित सिलसिले हैं, सदियों पर मुहित फासले हैं. हर चीज जो है वो प्रोसेस मांगती है, हर चीज वक्त. सियाने सही कहते हैं, लोग सही कहते हैं कि रिश्ता हो या जख्म, वक्त देना चाहिए दोनों. रिश्ते भी बनने में वक्त लगता है. एंड वी आर सो क्विक टू मेक एंड ब्रेक. और इसी तरह जब जख्म भी लग जाता है तो वक्त लगता है उसे भरने में. या सो ट्रू. सो हर चीज ही प्रोसेस है. हम खुद प्रोसेस हो गए. प्रोसेस हो गए हम तो खाने भी प्रोसेस खाते हैं. अंडे प्रोसेस, जूस प्रोसेस्ड, मुर्गियां प्रोसेस्ड. मेरे ख्याल से अब इंसान भी प्रोसेस ही हो रहा है. सो वी ऑल आर. तो अगर देखा जाए तो दिस यूनिवर्स इज अ होल प्रोसेस. हम तो सारे इस प्रोसेस का हिस्सा हैं. तो फिर हम कौन हैं कि मैं सामने वाले को कहूं हाँ तू ऐसा. हम मैं कौन हूँ मैं सामने वाले को कहूँ हाँ तू ऐसा. और आप कौन हैं जो मुझे कहे मैं ऐसी, मैं जैसी, मैं वैसी ठीक हूँ. मैं बहुत अच्छी हूँ. आज मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि यार
मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं वाकई बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छी लगती हूँ. आई जस्ट सिंपली लाइक माई सेल्फ द वे आई एम एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, नो कंप्लेंट्स अबाउट माई सेल्फ कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं. मेरा नाक जड़ा है, मेरे बाल लंबे, मेरा आई फील लाइक गॉड हैज मेड मी सो परफेक्टली डन. रच के उसने मुझे हुस्न दिया है, रच के उसने मुझे बातें दी हैं करने को, एंड आई एम सो परफेक्टली फिट इन वेयर एवर आई एम. रच के मुझे घर वाले प्यार करने वाले, स्पॉइल करने वाले लोग मिले. मैंने जो चाह जिंदगी में, दिस सेट जाओ बेटा चीरे सिमरन अपनी जिंदगी. सो मेरे फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा स्पॉइलर बॉयलर, दे जस्ट लेट मी डू एनीथिंग. फिर उसके बाद जो मैं जहां पर प्लेस्ड की गई, जिन जिन प्रोफेशंस में, आई एम सो बीइंग राइटली प्लेस्ड इन व्हेयरएवर एंड व्हाटएवर, जो लोग मेरी जिंदगी में आए वाज परफेक्टली राइटली प्लेस्ड. जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा होता है, मेरे अंदर चल रहा होता है, मेरे बाहर होता है, लोग आसपास होते हैं, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, आई मीन आई फील लाइक इट्स आई एम सो परफेक्टली प्लेस्ड, और मे बी आई एम सो अलाइंड विद द यूनिवर्स और विद व्हाटएवर गॉड इज डूइंग. तो मुझे ऐसे लगता है यार सब परफेक्ट है. सबका तो मुझे नहीं पता, मुझे भी कभी कभार लगता है यार ये क्यों है. कुछ लोगों को देख के फीलिंग आती है ना यार ये क्यों है, इनका क्या मकसद है. जिस तरह कभी कभार आप चूंटी देखते हो जमीन पर, बंदा कहते हैं यार ये बेचारी चूंटी क्या इतनी बड़ी सी दुनिया में कर रही है. पर चूंटी का भी एक मकसद है. तो हर इंसान का मकसद तो है, पर आपकी नजर से उज्जवल है, आपको नहीं पता, तो आप किसी को यूजलेस नहीं कह सकते. कोई हम सारे उस परफेक्शन के प्रोसेस से गुजर ही रहे हैं. कोई पहले गुजर जाता है, कोई बाद में गुजर जाता है, गुजर ही जाते हैं. अच्छा जी, तो क्या करें, गाना सुनाते हैं आपको. यार मैंने आज अपनी प्लेलिस्ट नहीं देखी, चेक करें. मैं इतनी आज अपने शो में मदहोश मगूम, क्या कहते हैं, मदहोश हो गई हूँ. मैं अपने कैमरे और अपने माइक के साथ इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं तो प्लेलिस्ट देखना, मैंने किसी और को देखना छोड़ दिया. अच्छा जी, क्या ब्रोकन स्ट्रिंग्स. तो कहती हूँ जो चीजें टूटी हुई उनको टूटी रहने, तो मुझे कोई शौक नहीं हो रहा किसी चीज को जोड़ने का. तो भूल ना जाना, भूल ना जाना, फिर पप्पा नौरस लेके घर आना. मैं ते मन लई हार, मैं ते कदी ना मननी हार. अच्छा जी, शिराज उपल क्या कह रहे हैं. शिराज उपल का गाना सुनाती हूँ, पहले मैं जरा अपनी प्लेलिस्ट चेक कर लूं. हमारी कहानी, कोई कहानी नहीं है इस कहानी का, सिर्फ दी एंड, कोई कहानी नहीं है हमारी. अच्छा, ये सिर्फ मेरी कहानी है. अच्छा, मधानिया बहुत अच्छा गाना है, लेकिन पता नहीं मुझे सेट कर देता है फजूल में. मेहरमा, कोई लम्हा गुलाब जैसा, मैं खुद गुलाब, खुद गुलाब बन के महकना चाहिए लम्हे में. गुलाब कहाँ से लाएं, हर वक्त हर वक्त गुलाब कहाँ से लाएंगे. इस्लामाबाद में तो फिर मिल जाएंगे, और शहरों में अब कहाँ से ढूंढेंगे. वो कैसी होगी, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छी है. चलिए आपको गाना सुनाती हूँ, मोहब्बत. मोहब्बत का गाना सुनाती हूँ. अब इसका नाम भी मुझे नहीं पता कौन से सिंगर ने गाया, पर चले मोहब्बत है तो अच्छी होगी. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. क्या कहते हैं वो कि फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो. I do not agree with this यार. फासलों से बहुत फर्क पड़ता है, फासलों से रास्तों में फैसले बदल जाते हैं. जब कोई इंसान बहुत दूर रहकर आपकी जिंदगी का वो हिस्सा ही नहीं रहता, दिल बेचारा कितना भी किसी को याद कर ले यार, कितना याद कर लोगे आप. और दूर रहकर आप किसी के साथ, किसी को हर वक्त अपने साथ रखो और कोई आपकी जिंदगी में आपके साथ हो, बहुत फर्क पड़ जाता है. आजकल तो वैसे भी डिजिटलाइज का दौर है, एक विंडो बंद करो तो दूसरी खोल लो, दूसरी बंद करो तो तीसरी खोल लो, फेसबुक बंद करो तो इंस्टाग्राम खोल लो, उससे बोर हो तो व्हाट्सएप शुरू कर दो. तो अब इस जमाने में मुझे लगता है वो सारे फलसफे इसके आज के इस डिजिटलाइज दौर में और सैट और टैग के दौर में सारे फलसफे उल्टे पड़ गए. सारी तकदीरें, सारी तरकीबें जो है वो उल्टी पड़ गई. लोग कहते थे पहले यार मोहब्बत तो दिल में होनी चाहिए, कोई दूर बैठा हुआ है तो बैठा रहे, तो बैठा रहे वो स्यापा, दूर ही बैठा रहे, तो जो पास है उसको, उससे प्यार कर लो. फिर जो पास की जिंदगी है वो खाली खाली खाली, बस आप खाली जिंदगी जीते जाओ और फिर आप अपना टाइम पास करो व्हाट्सएप में किसी से, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर, और फिर आपको मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन टाइम पास के लिए यू नो ये फेसबुक इंस्टाग्राम. तो भाई
आजकल के जमाने में जरूरी है कि जो मोहब्बत हो वो आपके पास हो, वो मयस्सर हो, कोई आपकी चीज हो, आपका नसीब हो, और कहें वो रखा हुआ है आपका नसीब पर आपको मिलेगा नहीं, आप देख सकते हो. तो ऐसे नसीब का क्या फायदा जो सिर्फ आप देख सकते हो, आपके किसी काम का नहीं है. अब चांद कहते हैं चांद हमारे लिए है, अब चांद पे हक तो नहीं जता सकते ना, केड़ा इख्तियार इन बादलों पर, इन आसमानों पर, इन इस चांद पर, इन सितारों पर, इस सूरज पर, हम सब के लिए हैं. कोई एक नहीं कह सकता ये मेरा सूरज है, ये मेरा चांद है. एक इंसान ही तो होता है, चंद रिश्ते ही तो होते हैं जिंदगी में जिसको हम अपना कह सकते हैं. अगर उन रिश्तों में भी दूरियां आ जाती हैं तो कैसे आप किसी को अपना कह लेते. मुझे लगता है कि अपनाइयत की डेफिनेशन बदल गई है, एटलीस्ट मेरे नजर में तो बदल गई है. जो अपना होता है वो साथ होता है, वो साथ देता है. और इसी तरह जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नहीं समझाए, दूर रहकर मोहब्बतें करने वाले और जो पास होकर आपका आपकी जिंदगी की रोज की स्ट्रगल में साथ देते हैं यार. मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग जो रोज की आपकी स्ट्रगल में आपके साथ हैं, आपके अच्छे में, आपके बुरे में, आपकी कामयाबी पर आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपके आंसू पोंछ रहे हैं, आपका कंधा थपथपा रहे हैं, किसी के कंधे पर आप सर रख के थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आसरा ले ले, वो लोग आपकी जिंदगी में बड़े कीमती होते हैं. और वो लोग जो दूर से बैठकर आपको इमोटिकॉन्स भेजकर आपको मोहब्बतों का एहसास दिला रहे हैं, बेबी कहीं और मत जाना, मैं बैठा हुआ हूँ दूर. तो वैसे परदेसी बड़ा बुरा मुझे इस बारे में, क्योंकि मेरी फैमिली को आधी इधर तो आधी उधर तो आधी उधर, तो मेरी अम्मी मेरी इस बात से अग्री नहीं करती हैं. वो कहती हैं नहीं, दूर रहकर भी मोहब्बत होती है. मैं उनके सामने तो कह देती हूँ कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, पर अंदर की बात बताऊं तो मुझे ऐसी मोहब्बतें समझ नहीं आती. तो यार ये कौन सी मोहब्बत है? इस तरह तो अल्लाह ही काफी है, दूर रहकर भी दिखता नहीं है, समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी अल्लाह है हमारा. लेकिन एक अल्लाह के होने का एहसास तो वो हर वक्त अपने होने का एहसास आपको दे रहा है, कभी रिस्क की सूरत में, कभी इंसान की सूरत में, सांस की सूरत में, कभी अच्छे ख्याल की सूरत में, कामयाबी की सूरत में, कभी किसी ना किसी तरीके. लेकिन एक इंसान दूर रहकर कितना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. आई डोंट नो हाउ डू पीपल डिफाइन द डिस्टेंटिंग डिस्टेंट मोहब्बतें, मुझे तो समझ नहीं आती अब ये. अच्छा जी, अब क्या है, क्या करना है आपको? अच्छा जी, मैसेजेस तो मैं आपके शामिल ही नहीं कर रही हूँ, भेज ही नहीं रहे आप. क्या हो गया आप लोगों को, सो गए हैं क्या सारे? आपको बता दी चलूं कि आप अपने पैगाम कैसे भेज सकते हैं. तो पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इन द मीन वाइल मैं आपको जो है वो गाना सुना रही हूँ. सोच कैसी भी हो, अल्फाज बता देते हैं और ईमान कैसा है, साथ कैसा है. जी हाँ, सोच आपकी कितनी भी अच्छी हो, जब तक आपका अमल अच्छा ना हो ना उसके साथ, तो कोई फायदा नहीं है. बिछड़ना जिनसे नामुमकिन था, मुझे उनसे मिले जमाना बीत गया. चलें जी, अच्छा हुआ. मुझे तो ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में जो शय आपके लिए जरूरी है हालत वक्त में, वो आपके पास है. अल्लाह कभी भी जुल्म नहीं कर रहा ना, तो अल्लाह हमेशा आपको वो चीज देता है जिसकी आपको अशद जरूरत होती है, और जिन लोगों से आपको फासले इख्तियार करवा देता है. और ये भी कुदरत का एक तरीका है, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं होते ना, चाहे आपको उनसे कितनी भी मोहब्बत हो, वो आपको नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि वो बार बार उसी एक इंसान, लोग पूछते हैं बाजी जिससे हम प्यार करते हैं वो ही हमारा दिल क्यों दुखाता है. मुझे इस बात का जवाब मिल गया, ये दिस इज अनदर वे ऑफ टेलिंग यूनिवर्स दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, स्टे अवे. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मैन और दिस वुमन और दिस होल थिंग आउट ऑफ योर लाइफ. आप कोशिश करते 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 जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, और आप कहते हैं यार ये चीज क्यों नहीं हो रही, मुझे क्यों नहीं मिल रही, तो बजाय उसके ऊपर सल्क करने के, उस पर सब्र कर लें. सबर जो है ना, सबर ऐसा भारी पड़ता है, ऐसा भारी पड़ता है, ऐसा मुकम्मल आपको शांत, आपको पीसफुल बना देता है. आप कहते हो यार हाँ वाकई, वो जो चीज आपको नहीं मिल रही, जिसके लिए आप ख्वार हो रहे हैं, जो ला हासिल हो गई आपको, लेकिन आपने उसके ऊपर अगर सबर कर लिया और आपने अपने होने वाले मौजूद हालात और अपनी मौजूदा कैफियत में इक्तफा कर लिया, पीसफुल हो गए, तो आपको समझ आता है कि हाँ यार जो चीज मुझे रब ने नहीं दी उसमें मेरी ही बेहतरी थी. दैट पर्सन वॉज नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ.
अब फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करते हैं, हाँ यार अच्छा यू चंगा ही हुआ नहीं मिला. जिन लोगों से आप जिंदगी में बिछड़ जाते हैं बहुत देर बाद आपको समझ आते हैं यार अच्छा ही हुआ. और जो चीजें आपको जिंदगी में नहीं मिलती, जो अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते हैं, तो यार आई मिस्ड, आपको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार दैट वाज रीडायरेक्टिंग माय लाइफ. इसी तरह जिंदगी में जो चीज आपको मयसर नहीं, मट्टी डालें आगे बढ़े. अच्छा जी, जो गाना मैंने सुनना होता है और जो मुझे नहीं मिलता तो मैं क्या करती हूँ, आई चेंज माई माइंड, सिंपल. और इसी तरह जब कोई चीज आपको चाहिए हो और आपको ना मिले, सो माइंड हार्ट, हार्ट कैन बी चेंज, माइंड कैन बी चेंज, थिंकिंग कैन बी चेंज, हैबिट्स कैन बी चेंज, बिहेवियर्स कैन बी चेंज. सिर्फ रिजिडिटी चेंज कांट चेंज, सिर्फ रिजिडिटी डिटाई जो है ना वो नहीं बदलती है, वो कहती है नहीं. ईगो, ईगो जो होती है ना वो कहती है नहीं मैं ये नहीं करूंगी. तो किल द ईगो एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम लव. हाउ एवर, दिस इज नॉट जस्ट लव दैट एक बंदे का प्यार, एक बंदी का प्यार या माँ बाप का प्यार. इट कम्स इन एवरी मोमेंट, इट कम्स, इट स्टार्ट्स विद योर सेल्फ. व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग गुड वर्ड्स, देन यू स्टार्ट थिंकिंग गुड वर्ड्स, देन यू स्टार्ट डूइंग गुड एक्ट्स, एंड देन यू लुक ब्यूटिफुल. सिंपल है, लोग कहते हैं हाय आप इतनी खूबसूरत. जितने भी दुनिया में आप अच्छे खूबसूरत लोग देखते हैं ना, बजाय सिवाय उन लोगों के जो सर्जरियां करवा के मुंह खिंचवा के बैठे हुए या जो फिल्टर लगा के खूबसूरती का मयार तैयार कर रहे हैं, मैं उस खूबसूरती की बात नहीं करी, मैं उस नेचुरल ब्यूटी की बात कर रही हूँ जो आपकी गुफ्तार में, अखलाक में, बॉडी लैंग्वेज में, जो आपकी जिंदगी में आती है. वो खूबसूरत लोग जिनका एहसास खूबसूरत होता है, तो वो जो खूबसूरती आती है ना, जो आप कहते हैं यार ये इंसान कितना अच्छा है, तो इंसान ने अपने ऊपर मेहनत की होती है. मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है. अच्छा जी, मैं रोया रे, चले जी शिराज अपल रो रहे हैं तो इनका रोना भी सुन लेते हैं. सही कहते हैं, पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुकात से फायदा उठाने लगे, और अब लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं वरना आपको छोड़ देते हैं बेकार समझकर. चलो अच्छी बात है, अगर कोई एक जगह पर हमें कोई बेकार समझ के छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम कारामत भी हो रहे होते हैं. सो परफेक्शन की जब हम बात करते हैं तो परफेक्शन तो हमें यही कहती है कि यार अगर एक जगह पर आप ठुकराए जा रहे होते हैं तो दिल छोटा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई और जगह तैयार हो रही होती है जहां पर आप अपनाए जा रहे होते हैं. So actually may there, if there is a ending of one situation, then there is a beginning of another situation. But the problem with our human minds or with being human is this, that we only focus on the endings, we don't focus on the beginnings. Time lagta hai, time lagta hai. मुझे तो अब गम आता है ना तो मुझे खुशी होने लग जाती है कि चलो जी अब गम आ रहा है फिर ये भी खत्म हो जाएगा फिर खुशी आएगी. खुशी आती है तो गम होने लग जाता है, हो है खुशी खत्म हो जाएगी तो फिर गम आ जाएगा, क्योंकि ये साइकिल है. ऐसा नहीं है कि खुशी 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 और गम 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 गम, नहीं, खुशी गम धूप छांव दिन रात. सो दिस इज अ साइकिल. कुछ उसूल है, यूनिवर्सल लॉज है जो जिनके मुताबिक दुनिया चल रही है, जिसके मुताबिक हम चल रहे हैं और जिसके मुताबिक हमारी जिंदगी चल. इसलिए मैं कहती हूँ यार जिंदगी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप जिंदगी को जानते चले जाते हैं, चल अदर वे राउंड अगर हम देखें, हाय आ गई अजाब है यार अब, लेकिन डोरेंस इज अ ब्लेस, ये भी एक फलसफा है. लेकिन जिंदगी को आप जितना जानते चले जाते हैं उतनी वो आपके लिए हल्की फुल्की होती चली जाती है. एक स्टेट ऐसी आती है कि आपको खुशी की खुशी नहीं रहती, गम का गम नहीं रहता, या फिर एक स्टेट ऐसी आती है कि गम का गम नहीं रहता और खुशी की खुशी रहती है, तो फिर ना खुशी रहती है ना गम रहता है. वो क्या है ना कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया और तंग आके हमने दोनों ही छोड़ दिए. लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैंने इश्क भी छोड़ दिया तो काम भी छोड़ दिया तो बंदा फारिग रह के करेगा क्या. और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि फारिग दिमाग इन शैतान का कारखाना बन जाता है, तो वो मैंने होने नहीं देना था. मतलब थोड़ा काम कर लें, थोड़ा इश्क कर लें, काम से इश्क कर लें, काम से इश्क से काम कर लें, और थोड़ा थोड़ा दोनों ही करते रहें, और थोड़ा थोड़ा मैं तो कहती हूँ सब कुछ करते रहें. थोड़ी मोहब्बत करें, थोड़ी नफरत करें, थोड़ा गुस्सा करें, थोड़ा प्यार करें, थोड़ी अड़ी दिखाएं, थोड़ी ईगो हो, थोड़ा प्यार हो. ये बहुत ज्यादा प्यार, किसी सियाने से पूछा कि जहर क्या है,
दाना ने जवाब दिया, वो जो मेरे सियाने हैं, उन्होंने जवाब दिया, कोई भी चीज जो कसरत से ज्यादा हो जाए, जो ज्यादती में चली जाए, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो, वो जहर बन जाती है. ईगो, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, लाड उठाने, माएं लाड उठा उठा बच्चों को खराब कर देती हैं. जिसके बाद बथेरा ही पैसा आ जाए, वो पैसे की वजह से खराब हो जाता है. किसी भी चीज की आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रॉस करते हैं एंड यू स्टार्ट यू नो पॉइजनिंग योरसेल्फ विद व्हाटएवर. और मैंने देखा है कि जज्बात भी आपके बहुत ज्यादा हो जाए ना, हाय कितना अच्छा होता है ये होता है, रोमांटिसिज्म ज्यादा हो जाए, आपका काम आप बहुत ज्यादा कर लें, वो भी आपके लिए जहर बन जाता है. सो इट्स ऑलवेज द बैलेंस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद. सो लाइफ इज अ मिक्स प्लेट, ऑल काइंड ऑफ इमोशंस, ऑल काइंड ऑफ कलर्स, ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक. अच्छा है बुरा है वो आपकी अपनी राय है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, रखनी चाहिए, आपकी अपनी जात पे परख के उससे देखा करें. पुराने लोग तो समझदार थे ही, पर मैं देख रही हूँ कि आजकल के लोग उससे भी ज्यादा समझदार है, क्योंकि उन्होंने हर चीज का शॉर्टकट निकाल लिया. लोगों को लगता है यार शॉर्टकट से चले जाएंगे तो हो जाएगा काम, और ऐसे हो भी जाता है यार, आपस की बात है. आजकल मुझे लग रहा है कि ना आजकल के जमाने में ना थोड़ी सी अपनी ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है. पुराने फलसफे आजकल ज्यों के तू अप्लाई नहीं हो रहे, सीरियसली. अब आजकल के जमाने में अगर आप बहुत ज्यादा भी अच्छे हो रहे हैं ना, सो यू आर गोइंग नोवेयर, सीरियसली मैन. मैंने अच्छे होकर देखा है, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी है. व्हेन यू स्टार्ट बीइंग सो स्वीट, सो नाइस, तो लोग आपको ना लेते हैं, ओ ये तो बेचारी बहुत ही अच्छी है, ओ कर लो इसके साथ जो करना है. मैंने बुरा होके भी बहुत देखा है, फिर आप लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, बुरे लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, वो भी ठीक नहीं. बैलेंस होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इसके साथ अच्छा ही रहो, ना ये बुरी हो गई तो बस खैर नहीं आपकी. और बुरे लोगों को पता होना चाहिए यार नहीं यार ये अच्छी है, इससे सब बुरा नहीं करो. तो आपका बैलेंस ना, आपका गुड इवल दोनों आपके अंदर होना चाहिए. आपके अंदर थोड़ी बगावत थोड़ी शराफत दोनों होनी चाहिए. आपके अंदर थोड़ा अंधेरा थोड़ा सवेरा दोनों होना चाहिए. थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी छांव, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम. दिन में थोड़ा सा मुस्कुराना, थोड़ा सा रोना जरूरी है. दिन में बहुत ज्यादा गहमा गहमी, बहुत ज्यादा लोग और थोड़ी सी तनाई बहुत जरूरी है. और दिन में थोड़ी सी बकवास और थोड़ी सी अकल की बातें बहुत जरूरी है. दिन में थोड़ी सी अच्छी बातें और थोड़ी दिन में थोड़ी सी बुरी बातें भी जरूरी है. जिंदगी में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग भी होना जरूरी है. जिंदगी में अच्छे हादसे और बुरे हादसे होना भी जरूरी है. जरूरी नहीं है कि बस अच्छा 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 भी ना टू स्वेड भी बंदा थू थू कर देता है. I have a beautiful song and Bryan Adams. जब Bryan Adams आते हैं तो फिर सब गायब हो जाते हैं. Because I know everybody loves Bryan Adams. और जो मेरे थोड़े से अंग्रेजी वाले गाने हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. So yes, how does he know that I'm living in a heaven? He knows. He knows. Yeah, I'm resonating. He is actually resonating with me. So yes, you're listening to me in Slow Jams Monday to Friday. रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. इसी के साथ जो है वो आप भेज रहे हैं अपने पैगाम मात, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल पर आइए, इस ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि YouTube पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू कैन वॉच माई शोज definitely recorded, or bell icon pe bhi press kar de so that you will get to know when my show will get on air, yeah, published ho jaye. Iske sath sath aap Facebook, Twitter, Instagram par hame like kar sakte hain mera FM ko, iske sath sath SoundCloud par bhi like kar sakte hain, and at the same time you can listen to me live on www.merafm.com par. Yahan par aap mere archive shows bhi sun sakte hain, and at the same time SoundCloud par bhi. यार मतलब हर जगह मैं ही मैं. लोग कहते हैं कि इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, पर मुझे लगता है कि यस इट्स ऑल अबाउट अस मी. मतलब फॉर यू फॉर मी इट्स नॉट कि मैं सबके लिए जरूरी हूँ, पर मेरे लिए अपना आप जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद मी. इसी तरह आपके लिए अपना आप जरूरी है. आई नो कि ये दुनिया आप हर इंसान के लिए आप जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट अपनी कहानी का तो हीरो बनना जरूरी है ना. अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी होना जरूरी है. तो अगर आप अपने लिए जरूरी हैं, औरों के लिए
थोड़े थोड़े जरूरी कहीं ना कहीं कि हर किसी की कहानी के आप हीरो नहीं बन सकते, किसी किसी की कहानी में विलन भी होना चाहिए, हर किसी की कहानी में छोटा छोटा रोल भी हो जाए तो मुझे लगता है कि जिंदगी बड़ी खूबसूरती से कट जाती है। चले जब ब्रायन एडम्स सुनते हैं, वापस आते हैं और थोड़ा सा टाइम रह गया आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम। वो क्या है कि थोड़ी सी धूप छांव है सभी का हिस्सा, और सभी के हिस्से में गम और खुशी आ जाते हैं, सभी के हिस्से में तन्हाइयां और महफिलें आती हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। हाँ, मैं एनवी जरूर करते हैं, द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर, बट ऐसा है नहीं। इट्स जस्ट आवर पर्सपेक्टिव कि हमें हमारे पास होने वाली चीज या जो हमारे साथ होती है चीज वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं होती है, जो हमसे दूर होती है, वो हमें अच्छी लगती है, विच इज टोटली अ नॉनसेंस। इसी तरह कहीं कोई हमारी याद के लिए तरस रहा है और कहीं कोई हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, कहीं कोई हमारी हमसे बात करने के लिए तरस रहा है और कहीं किसी को हम इतने मयसर हैं कि हमारी हमें सुनना भी नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कोई इंसान भी अच्छा या बुरा नहीं होता। कहीं हम किसी के लिए मिसाल हैं, कहीं किसी के लिए बेमिसाल हैं, कहीं किसी के लिए सबक है तो कहीं किसी के लिए पछतावा है, किसी के लिए गलती है, किसी के लिए क्या है। तो एक इंसान, हम फरिश्ते नहीं है, we all are sinners, we all do sins differently। मैं आपको जज करूं हाय ये ऐसा, आप मुझे जज करें ये ऐसी ये वैसी, तो कहती हूँ जो जैसा है उसका वैसा रहने दें। बेहतर ये है कि इंसान अपनी इस्लाह खुद करे, और वैसे भी सजा और जजा का तकाजा और सजा और जजाओं के फैसले तो उस हशर के मैदान में ही होंगे। इस दुनिया को हशर का मैदान ना बनाए यार, इस दुनिया को लोगों के लिए जीने की जगह बनाए, जहां पर हम खुली सांस में, खुली हवा में आजादी से सांस ले सकें। और वैसे भी अभी इंडिपेंडेंस डे गुजरा है, कायदे आजम के 14 नुकात एक दफा फिर पढ़ें और उसमें फिर दोहराएं अपने आप को कि ये जमीन का एक ऐसा खत्ता है जहां पर आपको मजहब की आजादी, आप मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, चर्चेस में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं। आपका जो मजहब है यार, वो आपके और आपके अल्लाह का ताल्लुक है। आपका रंग, आपका नस्ल, आपकी जबान, आपका आपका सब ताल्लुक, आपने अपनी जजा और सजा रब को देनी है, आपने रब को जवाब देना है अपने अच्छे बुरे का। बट येट एट द सेम टाइम इंसानों के साथ जब मामलात करें तो बड़े काइंडनेस के साथ, बिकॉज यू नेवर नो यार, आज आप किसी के साथ कर रहे हैं और कल आप भी उस कटहरे में खड़े हो सकते हैं। आज आप किसी को जज कर रहे हैं ना, कल जिंदगी घुमा के आपको वापस उस कटहरे में खड़ा करती है। जो बातें आपने दूसरों को सुनाई होती है ना, और इट हैपेंस खानदान में, जब एक नस्ल बड़ी होती है तो वो नस्ल बच्चों को कह रही होती है हाय इनके बच्चे देखे कैसे हैं, फिर वो बच्चे कह रहे होते हैं बेटा अपने बच्चे बड़े होने तो फिर देखेंगे तुम्हारे बच्चे कैसे थे। तो ये नस्ल दर नस्ल, खानदान दर खानदान, इंसान दर इंसान, ये मामला चलते ही रहेंगे। बट व्हाट आई फील लाइक के यू हैव टू जस्ट कट द कॉर्ड, जहां पर आपको लगे ना कोई गलत बात कर रहा है स्नब इट, जहां पर आपको लगे कोई जुल्म कर रहा है स्नब इट, जहां पर आपको लगे कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है स्नब इट राइट एट द मोमेंट। यहाँ कोई अदालतें नहीं है जो आपको इंसाफ देंगी, यहाँ दिल तोड़ने की कोई अदालत नहीं, यहाँ किसी को मेंटल टॉर्चर करने की कोई अदालत नहीं है, यहाँ पर किसी को साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने की कोई अदालत नहीं है। देर एंड देन मैं तो कहती हूँ इनकाउंटर करें, उसको लगाएं दो थप्पड़ और उसको सबक दें ताकि वो जिंदगी में दोबारा कभी के वो काम ना कर सके। सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि अपनी औलाद के लिए आप करें, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ सोसाइटल लेवल पर भी हमें उस एटीट्यूड को स्नप करना है। जज ना करें लोगों को यार, खुदारा जज ना करें, मर्द औरतों को जज ना करें, औरतें मर्दों को जज कर ले खैर, क्योंकि उनको जज करने का भी कोई फायदा नहीं, बदलना तो उन्होंने है नहीं। तो आजादी से जिए, जो आजादी आपको मिली है उसका भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन अपनी आजादी के साथ दूसरों की आजादी मस्ख ना करें। तो वो जो मासूम कलियां अभी खिल रही हैं, पल रही हैं, उनके उनको मस्ख ना करें। अभी बहुत से ख्वाब हैं जिन्होंने जीना है, अभी बहुत से नगमे हैं जो इन फजाओं में गूंज रहे हैं, अभी बड़ा कुछ है जो हमने करना है, तो करने दें यार सबको। कोई वियर्ड है, कोई बकवास है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, जीने दें जीने दें। आपकी जमीन नहीं है ये, अल्लाह की जमीन है। वैसे तो अब सीढ़िया की जमीन हो गई है, कहीं भी जाएं कोई भी जमीन खाली नहीं मिलती आपको, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के पहाड़ है, अल्लाह का आसमान है, लेकिन फिर भी जहाँ जाओ नहीं 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 ये इनका है, इन्होंने खरीदा हुआ है।
ये लॉजिक वैसे मुझे आज तक समझ नहीं है. इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. बट राइट नाउ आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम माई शो एंड आई होप के आपको आज का मेरा ये शो पसंद आया होगा. आई तो थॉरली इन लव विद माई शो एंड डेफिनेटली इट्स ऑल स्टार्ट्स विद माई सेल्फ. आई लव माई सेल्फ एंड आई लव एवरीथिंग. आई लव यू गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी ब्यूटिफुल मैसेजेस, फॉर लिसनिंग मी आउट देयर और यूट्यूब पर जो आप लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं. Thank you very much for your appreciation, for the likes, for the hearts and everything. मैं कल से कोशिश करूंगी कि आप लोगों के नाम जो YouTube पर मुझे कमेंट्स हैं वो भी मैं शामिल करूं अपने शो में, वो मैसेजेस भी लूं और आप लोगों के नाम भी शामिल करूं. So stay tuned and keep listening to me and keep watching me. Tada, good night, shab bakhair. This is Mera FM 107.4.